तुम फहद भाई से ऐसी कोई डिमांड नहीं रखोगी। घर हक मेहर या जहेज से नहीं बनते, घर तो मोहब्बत और वफा से बनते हैं ना। अगर आज के दौर में किसी की इज्जत है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ पैसे वाले की। दादी आप अपने कपड़े निकाल दें, हम इस्त्री कर देते हैं, लाइट चलेगी तो फिर मसला बन जाएगा। अरे बिटिया, हमारा सारा कपड़ा जो है ना, चाची मियां हमेशा इस्त्री करके रख देते हैं। आप जाके खुद तैयार हो जाएं, बहुत देर हो रहा है। दादी कभी कभार पड़े पड़े कपड़ों में भी सिलवटे पड़ जाती है, हम दोबारा फ्रेश इस्त्री कर देते हैं। अरे काशी जी, अच्छा हुआ कि आप भी आ गए। आप हमें कपड़े दे दीजिए अपने, हम इस्त्री कर देते हैं शाम के लिए, फिर हमें अपनी भी तैयारी करनी है। ना जी, हमको नहीं करवाना आपसे काम, हम खुद ही कर लेंगे, आप जाकर तैयार हो जाएं। दादी देख रही हैं आप कैसे गैरों वाला सलूक कर रहे हैं मेरे साथ, इनको बता दें कि ये हमारा भी घर है और हम इस घर के फर्द हैं। अरे हम कब बोले आपको गैर, आप खुद ही सोच ली और अब दादी से डांट भी पड़वा देंगी। जी हाँ। काहे को भला? क्योंकि दादी जब आपको डांटती हैं तो आप बहुत मासूम और प्यारे लगने लगते हैं। अरे नौसाबा जी, आप फिर शुरू हो गई, जबकि हम आपको पहले भी बोले हैं कि अब आप बोले या ना बोले हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब सारी जिंदगी हम बोलेंगे और आप सुनेंगे और मानेंगे भी, क्या समझे? इंशाल्लाह इंशाल्लाह, हम तो अल्लाह मियाँ से दुआ करते हैं कि अल्लाह मियाँ हमें इतना जिंदगी दे दो कि हम वो दिन देख ले। इंशाल्लाह दादी, मेरा दिल गवाही देता है और दिलों की गवाही ना कभी झूठी नहीं होती। अल्लाह, ये क्या मुश्किल बातें करें आप नौसाबा जी, कोई नावल शावल पढ़ कर आए का? जी नहीं, हमने कोई नावल नहीं पढ़ा और ये हम नहीं कह रहे, ये हमारे अब्बा कहा करते हैं। बिल्कुल ठीक बोले हैं तुम्हारे अब्बा जी, दिल का गवाही जो होता है ना, ये सच्चा होता है। अच्छा अब आप ऐसा करें, काम शाम निपटा लें और जाके खुद तैयार हो जाएं, हमें मजीद मियाँ के घर उनका मेहमानों से पहले पहुँचना है। जी दादी ऐसा ही होगा, आप बिल्कुल परेशान मत हो। और आप चलिए हमारे साथ, हमें कपड़े निकाल के दीजिए इस्त्री के लिए। अरे चलिए ना, बहुत जिद्दी है आप। शौकत साहब, नान जाए जाते हैं, अदनान जल्दी से मेरी जान, आपने वो केटर के पास भी जाना है। जी सलाम अलैकुम। हाँ जी, नहीं मैं उसको भेज रहा हूँ। एक मिनट यार, क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? हालत देखो, मुझे आवाज दे दिया करो। आपको आवाज देती तो यहाँ का काम अधूरा रह जाता, यहाँ भी तो आप ही काम कर रहे हैं ना। ये बात भी ठीक है। अच्छा वो बताओ, हूर कहाँ है, उसकी तैयारी कहाँ पहुँची? अरे वो बस बिल्कुल तैयार है, अपनी दोस्तों का वेट कर रही है। तो उसकी सहेलियां अभी तक आई नहीं, उन्होंने भी जाना था साथ पार्लर। आ जाएंगी, रस्ते में होंगी, बस आती होंगी, आ जाएंगी तो चली जाएंगी पार्लर। अच्छा मुझे ये बताएं कि अब्बा जी किधर हैं, सुबह से नजर नहीं आ रहे घर में। केटरर के सर पे बैठे हैं और कह रहे हैं कि जब तक खाना नहीं बनाएगा मैं उठूंगा नहीं यहाँ से। जी बिना अम्मा से मिलने गए थे सुबह कब्रिस्तान, खुश भी थे और उदास भी थे। उदास इसलिए कि घर से एक बेटी रुखसत हो रही है, और खुश इसलिए कि शायद एक बेटी आ भी रही है। आपको कैसे पता कि बेटी ही आनी है? दिल कह रहा है मेरा, पता नहीं, अल्लाह करे, दुआ करना। अच्छा आराम करो जाके, मैं देख लूंगा सब। आपको कुछ चाहिए? नहीं कुछ भी नहीं चाहिए, तुम जाके बस बैठ जाओ, नजर नहीं आऊंगा। जाओ 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 जा। अब्दुल्ला हाथ चला ले यार, दिल भी। इस वक्त कहाँ जा रहे हो भी? बाबा अपनी ड्यूटी पे जा रहा हूँ। ड्यूटी? कौन सी ड्यूटी? बाबा ये जो मेरी सहेलियां हैं ना, इन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई हुई। पहले हमें तैयार होने पार्लर छोड़ो, उसके बाद जब तैयार हो जाए तो वहां से पिक करके हमें इवेंट पे ले चलो, वो वाली ड्यूटी पे जा रहा हूँ। अगर आपकी इस ड्यूटी का आपके मामा को इल्म हो गया तो पता है क्या होगा? तो कत्लेआम होगा।
क्योंकि इससे कम पे तो नहीं मानेगी मैम। ठीक कह रहे हो, तुम खुद कब तैयार होगे? ये कपड़े लेके जा रहा हूँ, वहीं हो जाऊंगा तैयार, डोंट वरी। चलो ठीक है, उस वक्त तक मैं भी तैयार हो जाऊंगा। बाबा आप भी जा रहे हैं शादी पे? इरादा तो है, अगर आपकी मामा को कोई इतराज ना हो तो। देखते हैं, क्योंकि मुझ पे तो उनका जोर चला नहीं, अब आपकी बारी है, देख लेते हैं कितनी हिम्मत है आप। ओके बाय। बाय बेटा। देखो जरा इतना टाइम हो गया और नूर मैडम है कि अभी तक आई नहीं है। हाँ हो गई सारी तैयारी, आ गई तुम। तुम्हें पता है कब से इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। बस बस ज्यादा झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम हमारा इंतजार तो करोगी नहीं, अब तो तुम उस वक्रे का इंतजार करोगी। नूर आ गई तुम, अच्छा किया। और हूर तुमने साहब को फोन किया, पूछा कि कहाँ पर है? जी मेरी साथ से बात हुई है, वो परी को पिक करता हुआ आ रहा है। ऊपर से सलोन वाले की 10 दफा कॉल्स आ चुकी हैं, मेरे पास उसकी एक और ब्राइड की बुकिंग भी है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, बहुत देर हो गई है। तुम साथ को दोबारा कॉल करो। उर्वाजी उर्वाजी वो साथ भाई आ गए, आपको बुला रहे हैं। आपको एक और खुशखबरी सुनाऊं? हाँ हाँ। खाला हम साद और परी की शादी करने वाले हैं। आपको कोई तकलीफ पहुंची है तो हम माफी चाहते हैं, लेकिन हम क्या करें, हम शुरू से ऐसे ही। इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमसे दोस्ती कर लें, और ऐसी दोस्ती जिसमें ना कुछ आप हमसे छुपाएं ना हम आपसे। मिली, तुम्हारी बिलाल से बात तो हो गई है ना? जी मामा, मैंने उसे लोकेशन भेज दिया, वो टाइम पे पहुंच जाएगा। निसाद वो किसी को लेकर आ रहा है? मामा मैंने आपको कितनी बार बताया है, उसका यहाँ कोई भी नहीं है, सब आउट ऑफ स्टेशन है। और वैसे भी आपको तो सिर्फ बिलाल से मिलना है ना, उसके घर वालों से क्या? तुम्हारे बाबा से और भाई से मैं बिलाल का क्या कह के तारुफ कराऊंगी, कुछ तो बताना पड़ेगा ना कि कहाँ से बिलोंग करता है, फैमिली क्या है। मामा उन्हें कुछ बताने की जरूरत ही क्या है, वो अपने मैटर्स में हमें इन्वॉल्व करते हैं जो हमें उनसे डरने की जरूरत हो। ओहो मिली, फिर भी इतना बड़ा फैसला मैं खुद से नहीं ले सकती। क्यों नहीं ले सकती आप? क्या बाबा और भाई ने उस परी मनहूस को हमारे सर पे मुसल्लत करने से पहले हमसे कोई मशवरा लिया था? और वो थर्ड क्लास हूर, उसकी शादी पे इतना एक्सपेंस किया, हमसे पूछा था उन्होंने, बताया था हमें, तो फिर हमें क्या जरूरत है उनसे डरने की? हम भी वही करेंगे जो हमारा दिल चाहेगा। सकीना भी आप यहाँ हमारी बातें सुन रही है क्या? नहीं नहीं बेगम साहबा, आपने मुझे खुद ही तो बुलाया था, इसीलिए हाजिर हुई हूँ। ओ मेरे तो दिमाग से निकल गया था, मैंने आपको इसलिए बुलाया था कि वो जो रात का डिनर है उसका जरा मेन्यू डिसाइड कर लें कि क्या बनना है। आप ऐसा कीजिएगा कि एक तो वो जो स्पेशल कबाब बनवाती है ना वो ज़रूर बनवा लीजिएगा, और फ्राइड राइस। हाँ भाभी, हूर अभी तैयार होकर नहीं आई पॉलेट से, साथ गया है उसे लेने के लिए, बस आते ही होगा। अरे ये तो तुम बहुत अच्छा की हो, साथ को भेजी हो, बहुत माशाल्लाह समझदार बच्चा है। आपने बिल्कुल ठीक कहा खाना, यही तो हमारे खानदान का एक चिराग है, अल्लाह ताला उसे हमेशा सलामत रखे। आमीन सुम्मा आमीन। खाना आपको एक और खुशखबरी सुनाऊं? हाँ हाँ। खाना हम साद और परी की शादी करने वाले हैं। अभी तो खैर से वो हमारा बेटा है, फिर हमारा दामाद भी बन जाएगा। अरे माशाल्लाह, ये तो तुम हमको बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाई हो, साद और परी का जोड़ी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छा रहेगा।
जी जी खाला, बस अल्लाह खैर का वक्त लाए। मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, आप ना परी की नानी भी हैं और दादी भी हैं। आपने सारे काम अपने सामने अपने हाथों से करवाने। हाँ हाँ, काहे ना करवाएंगे। हम भी आपको एक बात बता दें, हमरा काशी का भी दुल्हनिया आने वाली है। बस अब हमारी दोनों बहुएं सारा काम संभाल लेंगी, तुम फिक्र मत करो। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा फजीलत बहन, अल्लाह खैर का वक्त लेकर आए, लड़कियां अपने अपने घरों को चली जाएंगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बताओ तो सही मुझे, कौन है वो, क्या करता है, कहाँ रहता है, कैसा खानदान है उसका और क्या साथ। ये कहाँ की तैयारी हो रही है इस वक्त? मैं आप ही ने कहा था ना कि यहाँ बैठ के आए बनने से बेहतर है अपने पुराने दोस्तों से मिलाओ, तो मैंने कहा मौका अच्छा है, मजीद भाई की बेटी की निकाह में भी शामिल हो जाऊंगा और अपने पुराने दोस्तों से भी मिल लूंगा। ओहो, ये आप कब से इतने फर्मा बरदार हो गए मेरे कि मैंने आपसे एक बात कही और आप फौरन उसे मान भी गए। सायका बेगम, फर्मा बरदार तो मैं आपका शुरू से रहा हूं, इस बात से तो आप इंकार कर ही नहीं सकते। खैर, आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, घर पे कुछ मेहमान आ रहे हैं और आपका यहाँ रहना बहुत जरूरी है। मेहमान? कौन से मेहमान? मलाइका के हवाले से मैंने कुछ लोगों को डिनर पे इनवाइट किया है। पहले तो आपने कभी जिक्र नहीं किया, सात को पता है इसके बारे में? वो तो क्या हो गया अगर पहले नहीं बताया, तो अब तो बता रही हूँ ना। और रही बात सात की, अगर मैं उसे बता भी देती तो उसने कौन सा यहाँ पे रुक जाना था? आजकल तो उसे अपनी माँ बहन से ज्यादा ना अपना बचपन के दोस्तों की याद सता रही है। वैसी बात भी नहीं, अगर आप उससे जिक्र करती तो मैनेज कर लेता। आप उसे छोड़े, वो भी मिल लेगा उनसे, लेकिन आपका उनसे मिलना बहुत जरूरी है ताकि आगे की कोई प्लानिंग कर सके हम। ठीक है, मिल लेते हैं आपके मेहमानों से, अपने दोस्तों का क्या है, फिर कभी मिल लेंगे। खुश। मैं भी जान के कितना नूर है। ए बहन, तुम्हारी तो दीवार से दीवार में लेती है मजीद का साइकी। अरे तुम्हें भी उसकी बेटी के ससुराल वालों का कुछ पता नहीं चला? ए बहन, अरे नहीं ना बहन, कुछ आता पता नहीं चला। जब अगलियों ने ऐसा चुप चुपा के सब कुछ कर लिया तो हमें कैसे खबर होती, जबकि तुम्हें पता है कि मेरी सास का मजीद कसाई के घर में कितना आना जाना है ना। मगर नहीं भाई, बाप बेटी ने मुँह से बात तक नहीं निकलने दी। कहा तो तुमने ठीक, लेकिन उसके ससुराल से कोई तो रिश्ता विश्ता लेकर आया होगा, कोई सास, कोई नन, कोई तो। अरे नहीं ना, कोई नहीं आया ना, जबकि मैं तो कल वहाँ मेहंदी में भी गई थी, वहाँ भी मुझे कोई नहीं दिखाई दिया। हाँ, वो चार लोग आपस में बातें जरूर कर रहे थे कि वो लड़के की माँ की बड़ी हालत खराब है, वो नाब है ना, किसी की फौत की वोत की हो गई है, इस वजह से कोई नहीं आया। आज जब किसी ने आना ही नहीं था तो मजीद कसाई को क्या पड़ी थी लड़की की मेहंदी माइयों में फजूल खर्ची करने की। मजीद कसाई ना अकेले अकेले ना वहाँ अपनी लाडली बेटी के नखरे उठा रहा है, जैसे हमने तो अपनी बेटियों की शादी की नहीं है। वहाँ तो ना कक्का उल्टी बह रही थी भाई। वो तो मैं जान जाऊंगा, एक बेटी का बाप होने के नाते ये मेरा हक भी है कि बेटी के लिए आने वाले रिश्ते के तमाम कवायद के बारे में मुझे इल्म होना चाहिए। आपने मेहमानों को बुलाया है, आपकी वाकफियत है उनसे? भाई अब्बा को आपने मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम देना है और आपने खाना खाए बगैर नहीं जाना। जरूर सर। बैठे बैठे, प्लीज प्लीज बैठे।
क्या यार काशी, वक्त देखा है तुमने? दादी को मैंने बोला भी था कि काशी को वक्त से भेज दें, शादी वाला घर है, 100 काम होते हैं और तुम इस वक्त आ रहे हो। अरे शौकत भाई, अब हम आ गए हैं ना, जितने भी काम है बता दीजिए, हम कर लेंगे। अरे मजाक करो यार, तुम तो हमारे खास मेहमान हो, आओ तुम्हें अब्बा से मिलवाता हूँ। नूमी भैया क्या हाल है, कैसे सका भैया, काम शाम कैसे जा रहा है? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सौके भैया आप मेहमानों को देखिए ना, हम खुद मिल लेंगे, और वैसे भी हम कौन सा गैर हैं, इसी घर के फर्द हैं। भैया अगर इसी घर के फर्द हो तो कोई काम हो तो देख लेना उसको। हाँ चलो। अरे काशी भैया आप कहाँ जा रहे हो? यहाँ बैठे आराम से, आज हम शादी में आए, कोई काम हम नहीं करेंगे, बता रहे हैं आपको। मम्मी भैया आज हम आपसे भी बहुत काम करवाएंगे, समझे, जानते हैं ना किसकी शादी है। चलिए। वाह भैया, बेगानी शादी में अब्दुल्ला बेगाना तो सुने थे, ये नया देखे हम, अपनी महबूबा की शादी में खुश हो रहे हैं, ये भी ठीक है। नूर, मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ। उसके दर्द और बर्दाश्त नहीं होता, नहीं होगा मुझसे। सब्र करो बेटा, संभालो खुद को, क्यों अपने साथ साथ मेरा भी तमाशा बना रही हो? कैसी बातें कर रही हैं आप, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ना कभी मैं आपका तमाशा बनवाऊंगी और ना ही कभी अपना। तमाशा अगर बनेगा तो आप उन लोगों का जिन्होंने इस तमाशे की शुरुआत की। क्या बात है बहन, मैं कब से देख रही हूँ, ना तो आप किसी बात में बोल रही हैं और ना किसी बात का जवाब दे रही हैं, खैर तो है? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है फजीलत बहन, बस ऐसे कुछ ख्याल आ गया था। क्या बात है, काहे को परेशान हो, हमको भी तो बताओ, इतना भरी महफिल में कौन सा ख्याल आपको परेशान कर रहा है? कोई मसला है तो बताएं। नहीं नहीं कोई मसला नहीं है, मैं तो बस बच्चियों के अच्छे नसीब के लिए दुआ कर रही थी। मुझे लगता है कि भूर आ गई है, मैं जाके देखती हूँ। मैं भी जाऊंगी दुल्हन को देखने। दादी हम जाएं क्या? अरे जरूर जाओ दिव्या, जाओ। अल्लाह नसीब भी अच्छे करे, कितनी प्यारी लग रही है। बीबी जान मेरा इलाज हो जाएगा ना, मेरी मुराद कब पूरी होगी, मुझे औलाद की नेमत कब मिलेगी? इतनी अतावली मत हो, बहुत सख्त बंदिश की हुई है तेरे दुश्मनों ने तेरी औलाद की, सब्र से काम ना लिया तो बहुत बड़ा नुकसान उठाएगी। कौन है वो, मुझे उसका नाम बताएं, मैंने तो आज तक किसी का बुरा नहीं किया, फिर कौन मेरी खुशियों का दुश्मन बन गया है? बहुत जल्द सामने आ जाएगा, फिलहाल अपने इलाज पर तवज्जा दो, बंदिश को तोड़ने के लिए सख्त मेहनत करना पड़ेगी। पैसा लगाना पड़ेगा, अगर मौकिलों की फीस दे सकती हो तो बताओ, वरना तुम्हारा इलाज करते करते मुझे नुकसान हो सकता है। बीबी जान आप जितनी फीस कहेंगी मैं उतनी देने को तैयार हूँ, मगर एक बार मेरी सूनी गोद भर दे, वरना मेरा शोहर अपनी माँ के कहने पे दूसरी शादी कर लेगा और मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सबकी सब वेली निकम्मियाँ अपने घरों के काम को छोड़ के तेरे दर पे आ जाती है अपनी मुरादें पूरी करने। जो औरत अपनी मुराद पूरी नहीं कर सकती वो उनके मसाइल क्या हल करेगी? बहुत जल्द तेरी सूनी गोद हरी हो जाएगी और तेरी सास का मुंह हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। बहुत शुक्रिया बीबी जान,
बहुत मेहरबानी आपकी। हाँ हाँ ठीक है, तुम परेशान नहीं हो, मैं तुम्हें बताती हूँ। ठीक है चलो चलो, ओके बाय। क्या हुआ साहिबा बेगम, आपके मेहमान अभी तक नहीं पहुंचे, कैंसिल करवा दिया क्या? मैं क्यों प्रोग्राम कैंसिल करने लगी, और आपको क्या इतनी जल्दी हो रही है? आ जाएंगे मेहमान, मिल लीजिएगा आप। वो तो मैं मिल लूंगा, लेकिन मेहमानों का हुजूर दरबा आपने अभी तक नहीं बताया मुझे। हुजूर दरबा क्या मतलब है आपका इस बात से अहमद अली साहब? मतलब ये कि कौन है, कहाँ रहते हैं, फैमिली क्या है, लड़का क्या करता है, ये सब कुछ नहीं बताया आपने मुझे। जब वो लोग यहाँ आएंगे ना, आप उनसे मिलके ये सब बातें जान लीजिएगा, ठीक है? वो तो मैं जान जाऊंगा, एक बेटी का बाप होने के नाते ये मेरा हक भी है कि बेटी के लिए आने वाले रिश्ते के तमाम कवायद के बारे में मुझे इल्म होना चाहिए। आपने मेहमानों को बुलाया है, आपकी वाकफियत है उनसे? जी है मेरी वाकफियत उनसे, बिलाल की फैमिली को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, और मिली मेरी बेटी है, उसकी खुशी के लिए ना मैं सब कुछ कर सकती हूँ। माँ हूँ, दुश्मन नहीं हूँ मैं उसकी। हाँ हक है आपका, पर आपका ये हक आपसे कोई नहीं छीन सकता, मैं भी नहीं, और मुझे इस हक से कोई महरूम करने के बारे में ना सोचे भी ना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं इतनी जल्दी भूलने वालों में से नहीं हूं। बीस पच्चीस या 50,000 लिफाफे में रख के दो। 20, 25, 50 जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, और 20, 25, 50 हज़ार देना है। तुम्हारी जेब खाली, मेरा खजाना तो भरा हुआ है। वापस जल्दी नहीं जाने दूंगी किसी को भी, आखिर तक रहोगे सबके सब। अगर किसी ने भी जल्दी जाने की कोशिश की ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो, किसी की नजर ना लगे। भाभी आपने मुझे आज माँ की कमी महसूस नहीं होने दी, लेकिन शुक्रिया अदा नहीं करूंगी आपका। बहुत सारी ढेर सारी दुआएं निकल रही हैं मेरे दिल से आपके लिए। खुश रहो, तुम लोग बैठ के बातें करो, मैं जरा मेहमानों को देख कर आती हूँ। ठीक है भाभी। हेलो बिलाल यार, तुम कहाँ रह गए हो, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। अरे यार मिली, मुझे तुम्हारे घर के रास्ते की समझ ही नहीं आ रही। क्यों समझ में नहीं आ रहा, मैंने तुम्हें लोकेशन भेजी थी ना। लोकेशन तो ठीक है, लेकिन ये टैक्सी वाले अंकल को समझ ही नहीं आ रही, पता नहीं कहाँ ले आए हैं। यार पता नहीं तुम कहाँ चले गए। अच्छा वेट करो, मैं ड्राइवर अंकल से तुम्हारी बात करवाती हूँ, वो तुम्हें सही से गाइड करेंगे, ठीक है? हाँ हाँ प्लीज उनसे बात करवा दो। अच्छा रुको। बड़ी खुश हुई आप आए, थैंक यू वेरी मच। प्लीज प्लीज बैठे बैठे बैठे। अच्छा गोदाम शाम ठीक जा रहे हो? बस बिल्कुल ठीक। चलिए हमें भी खिदमत का मौका देते। अरे साहब भाई क्या हाल है, आप आ गए हूर और उसकी सहेलियों को लेकर? जी सर अपना फर्ज पूरा कर दिया है मैंने, हूर और उसकी सहेलियों को तैयार करवा के वक्त पहुँचा दिया। साहब भाई आपने मेरा इतना बड़ा काम कर दिया है, मैं बता नहीं सकता आपको।
पता नहीं आप ना होते तो ये सारा कुछ कैसे मैनेज करता हूँ। अरे नहीं नहीं, मैंने सिर्फ दोस्ती का फर्ज निभाया, अपनी भी और अपने बाबा और चाचा जान की। अच्छा मैं जरा चाचा जान से मिल लूं दो मिनट। हाँ हाँ बिल्कुल मिल लें, और अब्बा को ये भी बता दीजिएगा कि उनकी लाडो रानी दुल्हन बन के आ गई है। सुबह से कोई 50 बार पूछ चुके हैं कि कब आएगी कब आएगी। मैं बताता हूँ। ओके शाबा पिक्चर लेते हैं। वैसे इतना टाइम हो गया है, फहद को आ जाना चाहिए था, अब तक नहीं आया। हाँ यार टाइम तो वाकई काफी हो गया, वो लोग अभी तक बारात क्यों नहीं लाए? और पूछो ना तुम। क्या हो गया तुम दोनों को? मुझे रुखसत करने की तुम दोनों को ज्यादा जल्दी है लगता है। जल्दी हमें नहीं, जल्दी आपको है अपने उस बकरे को देखने की, है ना? वैसे हूर जी इस वक्त अपनी सेल्फीज लेकर बहुत अच्छा कर रही है, वरना बारात आ गई तो फिर निकाह का शोर और फिर रुखसती। लो भाई बंदा इतना पैसा और इतनी मेहनत से तैयार हो और इस दिन के लिए यादगार सेल्फीज भी लाओ। हूर आप अपनी तस्वीरें लीजिए। बिल्कुल सही कह रही हो नशाबा तुम, मगर इन दोनों पागलों को कौन समझाए? फहद को जब भी आना है मेरे पास ही आना है, मेरी ये बारात लेकर आ रहा है वो, तुम्हें परेशानी किस बात की है? जी ठीक है पता है हमें। क्या हुआ तीफे, तैयार नहीं हुए मोहल्ले की शादी में जाने के लिए? कल तो बड़े जोरों शोर से तैयार। क्या फायदा, वहां पे मुंह तो कोई लगाता नहीं है। कल भी डीटों की तरह एक साइड पे पड़ा रहा हूं, उससे बेहतर है कि अपने कमरे में पड़ा रहा हूं। अरे ये क्या बात की तुमने, खाली हाथ मत जाओ ना तुम, कोई भारी तोहफा या भारी सलामी का लिफाफा लेकर जाओ, फिर देखना लोग तुम्हारे आगे पीछे होंगे। क्या ट्रक का टायर ले जाऊं या फिर लिफाफे में खाली कागज की गड्डी भर के ले जाऊं? तोहफा, ट्रक का टायर या कागजों की गड्डी ले जाने की क्या जरूरत? 20-25 या 50,000 लिफाफे में रख के दो। 20-25-50 जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, पर 20-25-50,000 देना है। तुम्हारी जेब खाली, मेरा खजाना तो भरा हुआ है। तुम उठ के तैयार हो, मैं पैसों का बंदोबस्त करती। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे पैसे, अपने पैसे अपने पास रखो। क्यों नहीं चाहिए तीफे, जो कुछ मेरा है वो सब तुम्हारा ही तो है, फिर इनकार क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम्हारे पैसे और तुम्हारे पैसों से लिए गए तोहफे लोग इनको हराम समझते हैं, और मजीद के साथ तो वैसे ही हर वक्त हलाल हराम के चक्कर में रहता है। साथ बेटा क्या वक्त बजा है देखना जरा। शौके यहाँ बेटा। जी बा बेटा, वो मैं ये कह रहा था कि तू जरा यहाँ पे इंतजाम देख ले, मैं अंदर हूर से मिलके आता हूँ। हामिद भाई। हाँ यार, वो तुम जरा मेहमानों का ख्याल रखना यार, मैं एक नजर अपनी बेटी को देखा हूँ, अब रहा नहीं जा रहा मुझसे। अरे मजीद भाई बिल्कुल बिल्कुल, जाओ 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 बिल्कुल, और अभी तो वक्त है,
जो भी कहना सुनना है बेटी से जाके कह सुन लो, फिर बारात आ जाएगी, तुम्हारी बेटी रुख्सत होकर अपने घर चली जाएगी। दिल की बातें दिल में ही रह जाएंगी मजीद भाई। हाँ हमिद भाई, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि थोड़ा वक्त अपनी बेटी के साथ बिता दूँ, फिर पता नहीं वक्त मिले या ना मिले। नहीं अल्लाह ना करे, इंशाल्लाह। जाओ। ठीक है मेरा बेटा, मैं जाता हूँ। जाओ। अच्छा है। अब्बा, वो मैं भी आपके साथ चलता हूँ, मुझे भी दूर से कुछ अकेले में बात करनी। चलो। बड़ा भाई हूं, पूरा ही सही, लेकिन खून तो एक ही है ना, इसलिए तुम्हें कभी भी अपने आप को तना नहीं समझ। तेरा मैका सलामत है। क्या हुआ तीफे, इस तरह आप कमरे में अंधेरा करके क्यों बैठे? तो क्या करूं, जब जिंदगी में अंधेरा भर गया तो कमरे का अंधेरा क्या बिगाड़ लेगा? किस तरह समझाऊं तुम, जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं, लोग हमारी बड़ी इज्जत करते हैं। इज्जत तुमने नहीं देखा, मैंने देखा है। अब मोहल्ले के लोग तुम्हारे साथ साथ मुझसे भी मिलने से कतराने लगे हैं। मैं बड़े चाव के साथ मजीद के साहब की बेटी की मेहंदी पर गया था, लेकिन किसी ने मुझे मुंह तक नहीं लगाया, पानी तक नहीं पूछा, भेड़ों की तरह एक कोने पर बड़ा बैठा रहा। फिर शीदे के साथ डेरे पर चला गया। क्या, ये सब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हें बताता तो तुम क्या कर लेती? कुछ भी करती, लेकिन तुम्हारी तरह तुम्हारी बेइज्जती पे खामोश नहीं रहती मैं। वाह वाह बानो वाह, ये सारी जिल्लत मेरे मुकद्दर में तुम्हारी वजह से है और तुम्हें मुझे बातें सुना रही हो, बहुत अच्छे। ओफो तीफे बस कर दो, ये जिल्लत वो जिल्लत, ये ताने सुन सुनकर ना तंग आ गई हूं मैं। खुद तो तुम बहुत नमाजी और हाजी हो ना, सच पूछो तो सारी दुनिया की बुराइयां तुम्हारे अंदर आ। खैर छोड़ो इन बातों को तीफे, क्या रखा, हम दोनों हैं ना, हम काफी हैं एक दूसरे के लिए। मैं खाना लेके आती हूँ, खाना खा के बाहर चहलकदमी कर लेना, ताजा हवा लगेगी ना तो दिल बहल जाएगा तुम्हारा। भूख नहीं है मुझे, जब भूख लगेगी खा लूंगा, आराम करने दो मुझे। चाहता हूँ बिलाल, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू सो मच, ये तो बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत लोगों के लिए खूबसूरत गिफ्टी होना चाहिए। फूलों से ज्यादा हुस्न दिला किसके पास है? हाँ ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन मुझे ना इन फूलों पर बहुत तरस आता है, इनकी जवानी बहुत कम अरसे की होती है, फिर तो इनकी किस्मत पर सिर्फ मुरझा जाना ही लिखा होता है। तुम ठीक कह रही हो, और यही फलसफा हम सब पे भी अप्लाई होता है। अच्छा छोड़ो ना, हम क्या बातें कर रहे हैं, चलो बैठते हैं, मामा बस आ ही रहे होंगे। और अंकल, अंकल घर पे नहीं है? और साथ भाई? बाबा घर पर नहीं है, वो तुम्हारा ही वेट कर रहे हैं,
लेकिन साथ भाई घर पर नहीं है क्योंकि उन्हें जाना पड़ा, कोई इमरजेंसी थी ना। अच्छा छोड़ा ना इन बातों का, बहुत सताया था मैंने आपको, हो सके तो मुझे माफ कर देगा अब्बा जी। नहीं बेटा कैसी बात कर रही है, तू तो बहुत अच्छी तरह जानती है मैं तुझसे कभी नाराज नहीं हो सकता। चाहती शायद इसीलिए ना मैंने आपकी मोहब्बत का बहुत नाजायज फायदा उठाया अब्बा जी, इसीलिए आपसे माफी मांग रही हूँ। क्या कह रही है बेटी, अरे कोई भी बाप अपनी औलाद से खफा नहीं हो सकता। फिर वो चाहे बेटा हो या बेटी, और तुम दोनों तो मेरी कुल कायनात हो। मैं तुमसे कैसे नाराज हो सकता हूँ बेटा। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अभी शादी होने वाली है, एक नई जिंदगी में कदम रखने वाली है। तेरा ससुराल ये तेरा असल घर है, लेकिन ये भी तेरा ही घर है, इसको पराया नहीं समझना मेरी गुड़िया। बड़ा भाई हूं तेरा, पूरा ही सही, लेकिन खून तो एक ही है ना, इसलिए तूने कभी भी अपने आप को तना नहीं समझा। तेरा मैका सलामत है, जब तक तेरा भाई जिंदा है तो मैके का मान बरकरार रहे। अच्छा वो मुझे तुम यही मिल गए, वरना किसी को भेज के तुम्हें बुलवाने लगा था। क्यों, कोई काम था मुझसे? अच्छा अब सिर्फ मुझे काम होगा तभी मिलोगी तुम मुझसे? नहीं ऐसी बात भी नहीं, बोलो। कुछ लाया था तुम्हारे लिए, आंखें बंद करो। ये लो। साहब तुम्हें याद था कि मुझे गजरे कितने पसंद है? तुम्हारी पसंद को भूल सकता हूँ मैं? पहना बिलाल, ये कैसी बात कर रहे हो तुम? तुम्हारी सोसाइटी और हमारी सोसाइटी में फर्क ही क्या है, एक ही तो क्लास है हमारी। मलाइका मैंने तुम्हें काफी बार पहले भी बताया, मेरी माँ एक सादा देहाती औरत है,